रूसी कब्जे वाले काराबाग में युद्ध विराम के एक दिन बाद फिर से गंभीर तनाव है। अज़रबैजान ने कहा कि उसके दूसरे सबसे बड़े शहर पर आर्मेनियाई बलों द्वारा गोलाबारी करने से कम 9 नागरिकों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हो गए हैं। अज़रबैजान के गांजा शहर पर आर्मेनियाई मिसाइल हमला रविवार तड़के हुआ, जिसमें 4 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई। अज़रबैजान में अभियोजक जनरल के कार्यालय ने एक बयान में कहा, 34 अन्य लोगों में से 16 महिलाओं और 6 बच्चों को घायल कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि आर्मेनियाई हमलों ने अब तक 1,165 घरों, 57 इमारतों और 146 सार्वजनिक भवनों को नष्ट कर दिया है। आर्मेनियाई पक्ष का उद्देश्य मुक्त प्रदेशों पर कब्जा करना है। आर्मेनियाई का राजनीतिक सैन्य नेतृत्व अपराधों के लिए जिम्मेदार है। अज़रबैजान पक्ष एक मुंहतोड़ जवाब देगा। राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव के ट्विटर से उनके प्रवक्ता हेकम हजीयेव ने कहा कि आर्मेनियाई बलों ने मिंगचेवीर शहर में नागरिक आबादी और महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। उन्होंने आर्मेनियाई की बर्बरता और बर्बरता की नीति को अज़रबैजान के नागरिकों के खिलाफ नरसंहार का एक अधिनियम कहा। टीआरटी वर्ल्ड की सारा फर्ट के रिपोर्ट में कहा गया कि मानवीय संघर्ष विराम के उल्लंघन में टार्टर क्षेत्र में अज़रबैजान की सीमा रेखा के पास आग का आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्मेनियाई के गांजा शहर पर मिसाइल हमलों के बाद दोनों पक्षों के बीच अस्थिरता नहीं होने का खतरा है। टीआरटी वर्ल्ड के एंड्रयू हॉपकिंस ने प्रभाव स्थल से रिपोर्टिंग करते हुए कहा कि अज़रबैजान के अधिकारियों का मानना है कि इस मिसाइल ने गांजा शहर में एक बड़ा गड्ढा बनाया था, जो रूस निर्मित तोचका यू बॉलिस्टिक मिसाइल प्रतीत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। गांजा में एक रॉयटर्स फोटोग्राफर ने बचाव कर्मियों को रविवार की सुबह अपार्टमेंट की इमारत के खंडहर से एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा। संरचना लगभग समतल हो चुकी थी। एक खुदाई से मलबा साफ हो रहा था। आसपास के क्षेत्र की इमारतों और कारों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। एक घायल निवासी ईसा रजियेव ने कहा, 2 बार जोर से आवाज सुनाई थी, घर हिल गया और सब कुछ ढहने लगा। विंडोज, ग्लास, सब कुछ नष्ट हो गया। मेरी माँ को सिर में चोट लगी। मेरे पैर टूटे हुए कांच से कटे हुए थे। बाकू कहते हैं कि संघर्ष शुरू होने के बाद से 40 से अधिक नागरिक मारे गए और 200 घायल हुए। अज़रबैजान ने यह भी बताया कि आर्मेनियाई सेना ने अपने खोए हुए पदों को फिर से हासिल करने के लिए रात में हैदरुत और ज़ेब्राइल की दिशा में हमला किया, लेकिन उन हमलों को अज़रबैजान की सेना ने रोका। अब इस मामले पर तुर्की ने कहा कि गांजा शहर पर हमले से ट्रूस को नुकसान पहुंचा और एक आक्रामक मानसिकता के साथ एक कब्जाधारी का स्पष्ट प्रतिबिंब था। मंत्रालय ने गाघर्ज क्षेत्र से लगभग 100 किलोमीटर दूर कहा, कब्जे के तहत अज़रबैजान क्षेत्रों के बाहर संघर्ष को व्यापक बनाने के लिए आर्मेनियाई प्रशासन के उकसाने का नवीनतम उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए तुर्की का कहना है कि ये अधर्म को रोकना होगा। बता दें कि 27 सितंबर रविवार को आर्मेनियाई ने अज़रबैजान के एक अफसाई क्षेत्र पर हमला किया, जिसके बाद अज़रबैजान ने यह कहते हुए जवाबी कार्रवाई की कि हम अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और नागोर्नो काराबाग को आज़ाद करना जारी रखेंगे। यह युद्ध 13 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसके बाद दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हुए थे। इस युद्ध में अज़रबैजान की जीत हुई है, जबकि आर्मेनियाई की हार हुई है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार अज़रबैजान ने लगभग 30 गांवों को आज़ाद कर दिया है और वहां अज़रबैजान झंडा फहराया है और ज़ेब्राइल के एक जिले को भी अब वापस ले लिया है। आर्मेनियाई सेना अग्रिम पंक्ति में नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे अपने उपकरण छोड़ देने पड़े हैं। आर्मेनिया और अज़रबैजान की इस लड़ाई में विश्व भी 2 गुटों में बंट गया है, जहां एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो अज़रबैजान का खुला समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस और ईरान आर्मेनिया का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे दोनों देशों के बीच बातों से इस मसले को सुलझाने की बात मॉस्को में शुरू हो गई थी, लेकिन अभी हाल ही की इस खबर से अब आगे क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है।
आर्मेनियाई और अजरबैजान के युद्ध से जुड़ी सारी ताज़ा अपडेट को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलत टाइम्स, सबसे पहले।